हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको हल्दी के नुकसान के बारे में बताऊंगी। हल्दी के गुणों के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है। अक्सर हमें हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बीमारियों और स्थितियों में ये हमें फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचाती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए ये जानें कि वो कौन कौन सी बीमारियां और स्थितियां हैं जिसमें हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। पहला है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मरीजों को हल्दी वाला दूध पीने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हल्दी में एक रासायनिक पदार्थ करक्यूमिन पाया जाता है जो ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। अगर आपकी सर्जरी हुई है या फिर होने वाली है तो हल्दी के सेवन से बचें, क्योंकि हल्दी खून का थक्का जमने नहीं देता है, जिसकी वजह से खून का सराव बढ़ जाता है। अगर आपको गाल ब्लैडर और एलर्जी की प्रॉब्लम है तो हल्दी का प्रयोग बंद कर दें, ये आपके एलर्जी को और बढ़ा सकती है। हल्दी गाल ब्लैडर में स्टोन बनाने का भी काम करती है। दोस्तों, अगर आप लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद तत्व लीवर की समस्या को और बढ़ाती है। प्रेगनेंसी के दौरान हल्दी का सेवन कम करना चाहिए। ज़्यादा हल्दी खाने से यूट्रस में ऐंठन पैदा होने लगती है। अगर आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी की शिकायत है तो हल्दी का सेवन कम कर दीजिए, क्योंकि हल्दी का बहुत अधिक सेवन करने से आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। ज़्यादा हल्दी खाने से पुरुषों को इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, इससे स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है। कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि ज़्यादा हल्दी खाने से पेट में गैस की समस्या होती है, इससे डायरिया और कब्ज भी हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो हल्दी वाला दूध से परहेज करें। ये ब्लड क्लॉटिंग को कम कर देता है, जिससे ब्लीडिंग की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो देखा दोस्तों, इतने सारे गुणों से भरी हुई हल्दी कई बीमारियों और स्थितियों में हमें नुकसान पहुंचाती है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।